विकास हो और वो भी विकास उस शहर में रहने वाले लोगों के सुझाव के ऊपर आधारित है। उनको किन समस्याओं से दो-चार होना पड़ता है और उन सब बातों में वो किस प्रकार का विकास करना चाहते हैं, उस बात को लेके एक अभिनव प्रयास देश भर में हुआ। हमारे लिए सौभाग्य का विषय है कि इंदौर शहर भी उसकी उन शहरों में आने के लिए, उस दौड़ के लिए दौड़ में लगा हुआ है। मैं बहुत सारी बातें हुई है, बहुत सारे सुझाव हुए हैं। सामान्यतः पिछले विकास में हमने देखा है कि कुछ लोगों ने बैठ के, ऊपर से बैठे हुए लोगों ने एक प्लान बनाया, उस प्लान के आधार पे सभी शहरों में, देश के सभी शहरों में उस मॉडल के आधार पे काम होना चाहिए, उस प्रकार की एक योजना। नीचे के लोग क्या चाहते हैं, उस शहर के साथ में उसका वो प्रैक्टिकल रूप से बैठता है कि नहीं बैठता, उस बारे में कोई विचार नहीं करता था। पहली बार ऐसा हुआ है कि उस शहर की जनता तय करेगी उसको किस प्रकार का विकास चले, वहां की बुनियादी समस्याएं क्या क्या है, या उसको व्यवहारिक रूप से क्या क्या बातें में उसमें समस्या आएगी उस विकास में, उस बारे में विचार करने के लिए आप लोगों को सोचना है और आप लोगों को सुझाव देना है। उन्हें अपने पैरामीटर बनाए हैं उसके आधार पर। मैं एक बात, बाकी सब विषयों पर बात हुई है, मैं एक बात जरूर बोलना चाहूंगा। आदरणीय भाभी जी हमारे बीच में है, इंदौर का जो ड्रेनेज सिस्टम है उसके बारे में हमको बहुत ही पुख्ता रूप से काम करने की आवश्यकता है। आज जो शहर में नाला सफाई का काम चल रहा है और बाकी सब, हम बड़ी तेजी के साथ में हम लोग लगे भी हैं, लेकिन एक बात बड़े दुख के साथ का बोलना पड़ेगा कि इस नाले में 80% इंदौर नगर निगम की कॉरपोरेशन की, जो हमारे द्वारा जो नालियां डाली गई है, जो हमने ड्रेनेज सिस्टम डाला है, उसको हमने ओवरफ्लो करके उस नालों में डाल रखा है। हमने जहां जहां जाम हुआ